आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृ शक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम अति सुंदर विषय है जीवन का सच्चा साथी कौन। देखिए, हमारी जीवन के अंदर जीवन दो तरह का होता है। एक होता है हमारा बाह्य जीवन, एक होता है हमारा भीतरी जीवन। बाह्य जीवन को व्यवहार जगत कहते हैं हम, और भीतरी जीवन को हम निश्चय जगत कहते हैं। व्यवहार जगत का मतलब सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु, हम जिस परिवार, जिस समाज, जिस देश, जिस विश्व के अंदर मन वचन काया की सारी प्रवृत्ति करते हैं, वह हमारा व्यवहार जगत है। व्यवहार जगत भुगतान का जगत है, वह हमारा हिसाब है। वह लेने देने का जगत है, वह हमारे एनओसी लेने का जगत है। व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। व्यवहार शुद्धि का अर्थ होता है संपूर्ण अज्ञान को समाप्त करना। व्यवहार जगत अज्ञानता से खड़ा है, इसीलिए इसको रिलेटिव पुरुषार्थ कहते हैं। यानी जन्म से मृत्यु तक हम जो कोई भी उदय और प्रारब्ध साथ में लेकर के आए हैं, जिसको हम दूसरी भाषा के अंदर फिल्म कह सकते हैं, स्क्रिप्ट कह सकते हैं, और एक्शन का रिएक्शन कह सकते हैं, बिंब का प्रतिबिंब कह सकते हैं। क्योंकि प्रकृति का नियम है, टू द एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कैसे कि सारी दुनिया कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर है। विदाउट द कॉज देर इज नो इफेक्ट एट ऑल इज द रूल ऑफ द नेचर। ये कुदरत का कानून है कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। मैं स्टूडियो में आकर के प्रवचन कर रहा हूँ, इसका कारण यह है कि जो मेरे भीतर अध्यात्म का ज्ञान है, वो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो ये कारण बन गया अध्यात्म ज्ञान आप तक पहुँचाना। और आप तक पहुँचे टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से, ये पहुँचना कार्य हो गया। कुमार जो घड़ा बनाता है, वो गर्मी के दिनों के अंदर ठंडा अमृत जैसा पानी पीने के लिए, तो मिट्टी जो मुलायम, जो तालाब की चिकनी मिट्टी होती है, वो कारण होता है। और कुमार उसका चौक, उसका डंडा, और जिससे वो थपथपाता है और नीचे हाथ रखता है, वह उससे जो है घड़ा बना, वो कार्य हो गया। तो इसका मतलब व्यवहार जगत किससे बना है कि पूर्व जन्म में जैसे जैसे हमने भाव डाले और वो भाव प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर कोट लग करके कॉज बना। एक भाव को, कोट लगे हुए को हम एक कॉज कहते हैं, एक कर्म कहते हैं। और जब बहुत से भाव जीवन में कोट लगे हुए कर्म बन जो है इकट्ठे हो जाते हैं, उसको कॉजल बॉडी कहा जाता है। तो भाई और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं कि व्यवहार जगत के अंदर आपका सच्चा साथी कौन। फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड
इंडीड, जो मित्र जो विपत्ति में काम आता है वह सच्चा मित्र होता है, उसको हम जो है सच्चा मित्र कह सकते हैं। और उसके अतिरिक्त हमारे परिवार में पत्नी, पति पत्नी, माँ बेटा, माँ बेटी, यानी जो संतान है उसकी भाई बंधु है, माता पिता है, जो हमको अच्छे संस्कार देते हैं, हमारे हितेशी होते हैं, वो हमारे जीवन के सच्चे साथी होते हैं। और जब विपत्ति आती है, जब हम बीमार पड़ते हैं या हमारे कोई पुलिस कार्रवाई हो जाती है या कोर्ट कार्रवाई हो जाती है और हमारे कभी घाटा लग जाता है और हमारे व्यापार को बढ़ाने में, मकान को बनाने में कोई सहयोगी होते हैं, वो हमारे जीवन के सच्चे मित्र, सच्चे साथी होते हैं। ये सारी बातें तो हमने व्यवहार जगत की है, परंतु व्यवहार जगत आता कहाँ से है? व्यवहार जगत निश्चय जगत से आता है। निश्चय जगत के अंदर हमारी शुद्ध आत्मा मोक्षगामी है, वह विराजमान है, और उसके साथ में मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और उसके साथ साथ में मोहनीय कर्म रूपी जन्म जन्मांतर से कॉजल बॉडी रूपी और कर्म शरीर रूपी, लिंग शरीर रूपी और कर्म शरीर रूपी अज्ञान जुड़ा हुआ है। जो आज विश्व में 365 तरह के कुल धर्म है, उसने अज्ञान की परिभाषा दी और अज्ञान के नाम से सब सहमत है कि आत्मा को संसार में भटकाने वाला अज्ञान है, इंसान के दुख का कारण अज्ञान है। और इंसान जब इस आत्मा के साथ चिपके हुए अशुद्धि के रूप के अंदर, जिसको कि अलग किया जाता है, उसका जो है वो कहना चाहिए कि मूल लक्षण नहीं है, उसको सेपरेबल है, उसको अलग किया जा सकता है। उसको जब ज़ीरो कर दिया जाता है, उसको जब निल कर दिया जाता है, तो आत्मा सिद्ध बुद्ध अवस्था में तो है ही है, वही आत्मा मुक्ति में जाकर के ईश्वर बन करके शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाती है। फिर इस 84 जून के अंदर भटकने के लिए, दुख भोगने के लिए, कर्मों का भुगतान करने के लिए, हिसाब क्लियर करने के लिए कभी नहीं आती है और वह शाश्वत बन जाती है। तो भाई और बहनों, जो हमारा ये विषय है कि जीवन का सच्चा साथी कौन, हम भीतरी जगत में आ गए हैं, तो भीतरी जगत के अंदर हमारा सच्चा साथी हमारी शुद्ध आत्मा परमात्मा भगवान है। अभी तक हमने उसको सच्चे साथी को प्राप्त नहीं किया है, लेकिन सच्चा साथी भीतरी जगत के अंदर, व्यवहार जगत के अंदर प्राप्त है, केवल मनुष्य ही कर सकता है। यानी हम 7.8 अरब की जनसंख्या जो इस कुदरत के अंदर है, इस ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड का अर्थ हो गया जहाँ पे जीवन है। ब्रह्मांड के बाहर भी ब्रह्मांड है, लेकिन उसमें जीवन नहीं है। हम जो कुदरत की, ब्रह्मांड की बात करते हैं, हमारे सनातन सत्य के अंदर वह कुदरत कहलाती है, जो कि 6 द्रव्यों के समवाय से बनी हुई है, चेतन, अचेतन और मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस। इन 6 तत्वों को विज्ञान ने अपनी अप्रूवल, सहमति दी है। यानी हमारी कुदरत की रचना जो है, वो कुदरत जो है वह विज्ञान सम्मत है। और ये कुदरत किसी कानून से चलती है, उजड़ नहीं चलती है, तो उसको कुदरत का कानून कहते हैं। जैसे कि समय पे सूर्योदय होता है, समय पे रात आती है, समय पे चंद्रमा आता है, चंद्रमा, और समय पर हमारी सर्दी, गर्मी, वर्षा, पतझड़ आदि 6 ऋतुएं आती है। ये सब प्राकृतिक जो है ये कानून है। और जो जीवित प्राणी पर काम करने वाला कुदरत की ब्रांच है, वह कहलाती है साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस,
व्यवस्थित शक्ति, वह व्यवस्थित शक्ति संयोग जुटाती है और उसी से ही इनके कर्मों का भुगतान करवाती है जन्म से मृत्यु तक। उनको कहते हैं द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, इनकी सहायता से। और ये कुदरत के हाथ में है, ये उसी के अनुरूप संयोग जुटा करके हर व्यक्ति का जो व्यवहार जगत है, जो अज्ञान का संसार है, उसको जीरो करवाती, हिसाब पूरा करके करके नया कौज नहीं पढ़ के हिसाब पूरा हो जाता है, तो वो कहलाती है संबर पूर्वक निर्जरा। यानी अगर आप आत्मा के पाले में रहते हो, आत्मा के इर्द गिर्द रहते हो और आत्मा भी मुख रहते हो, आत्मा के नियमों का पालन करते हो, तो वो आपकी संबर पूर्वक निजरा है। और अगर आप मन वचन काया रूपी जो है शुभ प्रवृत्ति करते हो, वो बंद पूर्वक निर्जरा है। ये बेस क्योंकि निर्जरा यानी डिसोसिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द सोल और फ्रॉम द कॉजल बॉडी, वो दोनों में होता है। लेकिन इसके अंदर साथ साथ के अंदर जो पुण्य का भी बंध होता है, वह पुण्य हमें वो नरक गति, वो हमको देव गति या मनुष्य गति के अंदर घुमाता है, वह भी संसार है। तो भाइयों बहनों, हम आपको क्या कहना चाहते हैं कि आपके जीवन का भीतरी जगत का सच्चा साथी है, वह साथी वह है आपके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, और वह प्राप्त होता है अज्ञान को नष्ट करने से। अब देखिए, हम भीतर के बाहर के साथियों की तो हमने काफी डिटेल के अंदर जो बात की, अब भीतर के साथी को कैसे प्राप्त करें, यानी आत्मा का स्पर्श करते करते अनुभव बढ़ाते बढ़ाते हम 360 डिग्री का अनुभव है जिसको केवल दर्शन कहा जाता है, और वह अंतिम रियल पुरुषार्थ है, उसको कैसे प्राप्त करें, उसकी पूरी विधि आपको सनातन सत्य जो हमारे कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहते हैं। और मैंने जैसा अभी परिभाषित किया कि सनातन सत्य कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है। कुदरती रचना का अर्थ यह हुआ कि ये जो छह द्रव्य जिससे कुदरत बनी है, ये तत्व रूप में, द्रव्य रूप में ये शाश्वत है, इटरनल है, परमानेंट है, लेकिन अवस्था रूप में ये छह बदलते रहते हैं। कैसे बदलते रहते हैं कि देखिए, जो मोशन तत्व है वह मोशन इस पूरे ब्रह्मांड को मोशन देता है, मेरे को देता है, आपको देता है, टेबल को देता है, ट्रेन को देता है, फ्लाइट को देता है, तो इसकी अवस्था बदलती रहती है, इसको कुदरती रचना कहते हैं। मैं उदाहरण दे के आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपके उदय और प्रारब्ध के अधीन जो है किसी ने कुछ पैसा हजम कर दिया, आप उसको कुदरती रचना मानिए। क्योंकि जो है किसी भी व्यक्ति दुनिया के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं में से ऐसा कोई बलिष्ठ देवता नहीं है जो आपका भला कर सके या बुरा कर सके, आपको सुख दे सके या दुख दे सकते। आपके किए हुए कर्म उदय प्रारब्ध के अनुसार, कुदरत के संयोग जुटाने के अनुसार जो है वह भुगतान करा के, वो हिसाब को क्लियर करके ही सुख दुख की अनुभूति कराते हैं। जब सुख आता है तो पुण्योदय होता है, जब दुख आता है तो पापोदय होता है, ये दोनों साथ चलते हैं। क्यों कि जो हमारे मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोनीय कर्म अज्ञान अभी तक हमारी दृष्टि विज्ञान में पड़ा है, और हमने रियल पुरुषार्थ करके आत्मा के खेमे में रह करके आत्मा के जो गुण हैं, यानी जो है केवल जो गुण हैं उनके सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो है
उनको गुणों की हम एप्लीकेशन करते करते संजोगों के अंदर उन जो ये सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो हमारी मूल आत्मा के गुण हैं उनकी संजोग के अंदर जो हमारे पुण्य पाप के आते हैं उनकी एप्लीकेशन करना है, वह जो है वो हमारा एप्लीकेशन है, उससे हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन मजबूत होता है, परसेंटेज बढ़ती है। और वो एप्लीकेशन कब होती है? जब हमारे जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर हम हर अवस्था को कुदरती रचना माने, कुदरती रचना मानते रहेंगे वह रियल पुरुषार्थ होगा, और उस कुदरती रचना नहीं मानने का कानून तोड़ेंगे तो हम कर्ता बन जाएंगे। कुदरती रचना मानना यानी निमित्त भाव, और जो निमित्त बन जाता है उसके चार साथ में चार साथी भीतर के साथी निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा और जुड़ जाते हैं, और कानून तोड़ता है तो बाहर के चार साथी जो बाहर का जगत बना हुआ है वह अहंकार से खड़ा होता है, और अहंकार के आते ही क्रोध मान माया लोभ, ठीक इसी तरह भी वो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन से चार साथी आ जाते हैं। अब निर्णय आपका है कि देहाध्यास के साथ रहना है या जो है आपको आत्मा जो केंद्र में हमने जो है प्राण प्रतिष्ठा कर दी शुद्ध भावों के साथ में हमारे परम पिता परमेश्वर को यहाँ बिठा दिया हमारे ललाट के मध्य के अंदर, और उसकी हम भाव पूजा करते हैं जैसे मंदिर में जाकर के जिस भगवान की मूर्ति होती है उसका अभिवादन करते हैं, सत्कार करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, उसकी भजना करते हैं, उसकी माला फेरते हैं, तो वह हमारा जो है पुण्य से जुड़ा हुआ है, और नहीं करते हैं वो पाप है। पुण्य पाप क्या होता है या जो है मिथ्या और जो है वो शुद्ध हमारा शुभ और शुद्ध अशुभ और अशुभ क्या होता है कि हम जो हमारा रिलेटिव सत्य है उसको मानते हैं तो वो शुभ भाव है, उसको नहीं मानते हैं तो वो अशुभ भाव है, लेकिन दोनों अज्ञान है क्योंकि दोनों रिलेटिव ट्रुथ है। उदाहरण के तौर पर क्योंकि वो मन वचन काया से जुड़े हुए हैं, मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, वो रिलेटिव पुरुषार्थ है, वो अज्ञान है, वो शुभ अशुभ से जुड़ा हुआ है, और वह हमको जो संसार में भ्रमण शुभ गति के अंदर भ्रमण कराता है, लेकिन जो शुद्ध भावों का होता है यानी सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से ही जुड़े रहना, उसकी ही एप्लीकेशन करना, आत्मा के पाले में ही रहना, वह जो है वो हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन अज्ञान को इरेज करती है। हमारे प्रतिष्ठित आत्मा में मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन को धीरे 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 इरेज करके 100% इरेज करके जो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा का रोल समाप्त हो जाता है, और जैसे कि हम पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं तो डॉक्टर का रोल समाप्त हो जाता है, और प्राकृतिक जीवन जीना हमारा व्यक्तिगत रोल स्टार्ट हो जाता है। जब हमारे बच्चे पैरों पर खड़े होकर के कमाने लग जाते हैं तो माता पिता का रोल समाप्त हो जाता है। ये पक्षियों के जितने भी उनके बेटे होते हैं, कबूतर कबूतरी तोता तोती उड़ने वाले जितने होते हैं, जब उनका बच्चा उड़ने में पारंगत हो जाता है तब हमारे ये कथाकार कहते हैं कि बाद में जीवन में उनको जन्म देने वाला कबूतर कबूतरी या तोता तोती वापस कभी अपने बच्चों से मिलते हैं या न मिलते हैं, पहचान होती या नहीं, पहचानते हैं नहीं पहचानते, नहीं कहा जा सकता। इसीलिए मनुष्य ने अपने पुत्र पुत्री को जन्म दिया है तो उसको अच्छे संस्कार देना, अच्छी शिक्षा देना,
अच्छे स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उनका पालन पोषण करना, उनको रोजगार दिलाना, और जब वो अच्छा कमाने लग जावे, जब उनके खुद के बच्चे हो जावे, तो माता पिता को वानप्रस्थी बन जाना चाहिए। वानप्रस्थी का अर्थ हुआ कि घर में रहते हुए घर से अलग, और सन्यास का अर्थ हुआ कि घर से बाहर जाकर के किसी संघ के अंदर कंचन कामिनी मुक्त होकर के और साधना करना, सन्यास लेना कहलाता। तो भाइयों बहनों, हम जो कहते हैं जीवन का सच्चा साथी कौन, बाहरी जीवन में हमारा हितैषी सच्चा साथी है, और भीतरी जीवन के अंदर हमारा शुद्ध परमात्मा स्वरूप है, वो सच्चा साथी है, वह कभी नहीं जाता है। भीतरी जगत के अंदर हमारा श्वास चलता है, आता रहता है, वह भी हमारा एक बाहरी भीतरी का मध्यस्थ सच्चा साथी है, लेकिन वह भी कब तक रहता है, जब तक हम अंतिम सांस नहीं लेते हैं। अंतिम सांस लेते ही हमारा प्रिय साथी आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है, और ये मध्यस्थ साथी है वह भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि अंतिम सांस जो हमने जो हमारे जो है मनुष्य पुण्योदय से मनुष्य जीवन का जो आयुष्य अर्जित किया था, उसकी अंतिम सांस ले ली और डॉक्टर ने कह दिया नाउ ही इज डेड, इज डेड बॉडी, उसको शमशान में जला दिया जाता है। तो भाई और बहनों, जीवन का सच्चा साथी कौन, विषय हमें समझना चाहिए, और हमेशा उस साथी के साथ रहना चाहिए, और बैलेंस भी बनाना चाहिए, क्योंकि अभी हमने केवल दर्शन को प्राप्त नहीं किया है, अभी हमने उस ओर कदम बढ़ाया है, उस तरफ कदम बढ़ाने के लिए हमको गुरु की तलाश करनी पड़ेगी। गुरु का मतलब अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु वह व्यक्ति है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। ज्ञान को एक जो है दीपक की संज्ञा दी गई है, एक छोटे से मिट्टी के दीपक के अंदर दिया जला करके शताब्दियों के घने अंधकार में रख दिया जाता, वो पूरे तिमिर को, शताब्दियों के तिमिर को हर के प्रकाश कर लेता है। तो गुरु होता है हमारे भीतर ज्ञान का दीपक लगाता है, और गुरु के लिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाँव, बलियारी गुरु आपनी और गोविंद दियो बताए। हे मेरे गुरु, हे मेरे क्या गुरु जी, आपने ईश्वर के दर्शन कराए हैं, मैं सीधा ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता था, तो आपके ही पहले प्रणाम करता हूँ, फिर मैं ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। तो ऐसे गुरु की तलाश करनी पड़ेगी, ऐसे ज्ञानी पुरुष की तलाश करनी पड़ेगी, और वह भी कब मिलेगा, अगर हमारे उदय और प्रारब्ध में है। उदय प्रारब्ध के अंदर अगर हमारे पुण्योदय गुरु मिलने का नहीं है, सच्चा गुरु मिलने का नहीं है, तो हम बहिर आत्मा रूप से अनादि अनंत काल से भटकते आए हैं, और यह जीवन भी आया राम गया राम, पंचेंद्रिय सुख का जीवन, यानी स्पर्शन दर्शन ज्ञान चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी, इनका ज्ञान जो है एंजॉय करते करते जब हमारा आयुष्य समाप्त हो जाएगा, तब हम इस दुनिया से विदा हो जाएंगे। वही घोड़ा और वही मैदान हमेशा करते आए हैं, लेकिन सत्संग का अर्थ होता है कि महापुरुषों की संगत करना, और सत्संग से गुरु की तलाश होती है और ज्ञानी पुरुष की तलाश होती है। सत्संग में हमको ज्ञानी पुरुष और सद्गुरु के लक्षण बताए जाते हैं, उधर हमारा पुण्योदय होता है तो वैसा सद्गुरु मिल जा सकता है, मिल जाता है। नरेंद्र नाथ जो कि बाद में विवेकानंद बने, वो कोलकाता में उनका जन्म हुआ था, और 39 इयर्स तक ही वो जिए, 125 शताब्दियां उनकी हम मना चुके हैं,
तो वो बचपन से ही वो अपना पुण्योदय यानी अच्छे गुरु का मिलना उनके उदय प्रारब्ध में था को लेकर के आए थे अपनी स्क्रिप्ट में, फिल्म में और कॉजल बॉडी में। ढूंढते रहे बचपन में, कोई पसंद नहीं आया। लेकिन अंततः जब वो कन्याकुमारी के मठ के अंदर जो स्वामी रामकृष्ण का मठ था उनके दर्शन किए तो प्रथम दृष्टवा स्वामी रामकृष्ण परमहंस को शिष्य मिल गया और केदारनाथ को अपना जो है सच्चा गुरु, सच्चा साथी मिल गया। तो उन्होंने उसको एनलाइटनमेंट दिया जो है स्वामी विवेकानंद को, और वो नरेंद्रनाथ से स्वामी विवेकानंद बन गए। 39 ईयर्स जी करके दुनिया को वह दिया जो कि आज भी उनकी जन्म शताब्दी मना रहे हैं। इसीलिए हमें व्यवहार और निश्चय जगत में जीवन के सच्चे साधु की पहचान होनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम बाह्य और भीतरी जीवन के सच्चे साथी को ढूंढ करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल भावना हो। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है, उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।